10 मिनट जो है वो हो गए हैं, हेलो, बात शुरू होगी तो 10 मिनट। जी मोक्ष भाई 10 मिनट ऊपर वेलकम। स्क्रीन जब पे लग भी गए। नहीं जी मोक्ष भाई, वेलकम। जुल्फिकर जब भाई यार 15 कर दो, 10 नहीं, 15 ठीक है, टू द पॉइंट बात करनी नहीं नहीं थी मोक्ष भाई 10 ठीक है भाई। नीचे पब्लिक देखो शोर यार। मचा रही है, कहती है ये क्या कर लिए, किस बंदे को ले लिए। अच्छा मतलब मुझे, मैं अपना पॉइंट भी नहीं रख सकता मतलब यहाँ पे आगे, सर ये आपको भी सारी मतलब अपना 10 मिनट आप अपना पॉइंट रख ले, मैं चुप कर जाता हूँ सर। नहीं यार 15 तो दो ना कम से कम। आपकी स्ट्रीम 4 घंटे चलेगी, अभी 3 घंटे तो चलती है कम से कम, 1.5 घंटा हुआ अभी। यार बात तो करो ना, करो तो सही, ठीक है तो शुरू कर। ओके, जो मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो आपका सबसे, मैं दो क्वेश्चन में मतलब अपनी बात रखूंगा सिर्फ पॉइंट पे। पहला तो ये कि आपने जो क्वेश्चन रेज किया था कि योनि खोलने वाली बात, की योनि खोल देनी है ये लिखा हुआ, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि क्या हम अपनी सिस्टर को ये चीजें सब बता सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ओके तो मैं पहले भी बात रखता हूँ आपको। तो सबसे पहली बात ये है कि जब आप ये, जो आप योनि कोड कर यू खोलने वाला दिखा रहे हो मंत्र, ये चीज कंटेक्ट, ये मैंने जब हिंदी में चेक किया, मुझे ये पहला मंत्र है जो आपको सेम मिला बिल्कुल, मतलब शुक्र उसमें है जो कुछ सही सेम लिखा मिल गया है। आपको भी। ठीक है नहीं वो आगे चलें। बाकी वाले सही सही नहीं मिले थे, वो ये सही है। और ये जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है उसमें ये लिखा है कि वहां पे एक बात चल रही है, एक प्रेग्नेंट लेडी जिसे हम बोलते हैं प्रसूता स्त्री, उसके बारे में, जो जैसे आजकल हमारे में डिलीवरी होती है ना, जैसे हॉस्पिटल में यहाँ पे, तो पुराने टाइम में ये होता था कि सर डिलीवरी आप घर पे ही पिछले होती थी। रेफरेंस को ना अगली स्ट्रीम में ले आते हैं। आज नहीं का इसी बात, जो ये आपने बोला ना रेफरेंस है ना वो अथर्ववेद योनि वाली कांड बात। कांड 5 सुक्ता 25 मंत्र 8 की बात हो रही है। यहाँ पर तो गर्भवती होते समय है, अभी गर्भवती हुई नहीं है, अभी बच्चा निकालना नहीं है। वो तो योनि खोल के बच्चा निकाला था, वो पिछला पिछली बार हमने बयान किया था, ये और है, ये गर्भवती होते समय की बात है। मेरी बात तो सुनो, आप जो भी कॉलर आता है उससे यही पूछते हैं ना कि योनि खोलने के बारे में लिखा है ये पर, उसका तो जवाब दे दूं मैं। 10 मिनट है ना अपने पास, यार इसको तो एक बात मिनट रुको करेंगे। ना, रुको मैं ये मंत्र सामने लाता हूँ और फिर मुझे बताओ ये हाँ ले हद आओ करते हो। मंत्र ले आओ ले आओ। सामने है गर्भवती होते समय कि अब तुम हकीम बना के उसको निकालने के चक्कर में, पिछले पिछले में भी मुझे बताओ उसमें ये लिखा हुआ है, मैं बात है पढ़ता करने हूँ, कोई वाली। नहीं टेंशन है, पढ़ेंगे भाई, हाँ पढ़ेंगे बताएंगे ले भी आओ ले आओ। कि ये यहाँ पर पढ़ है देंगे, घर में नहीं पढ़ेंगे, घर में भी पढ़ेंगे कि नहीं। अभी ये तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है अपना कि सिस्टर को बताएंगे नहीं, उस पे मैं जवाब दूंगा, पहले भी ये कॉन्टेक्स्ट हाँ क्लियर यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको बताना है कि जब जाना ना ऐसे करना है आपने। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा मैं, पक्की बात है। कांड नहीं मैं अभी उस पे क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन एड्रेस करेंगे ना, सेकंड पे पार्ट है नंबर अपना। 5 है, सुक्ता 25 है। खोलो एक बार स्ट्रीम में। खोलते हैं यार, उसने कुछ छोड़ा नहीं खोलने के लिए, तो मैं अब ये अकेला रेफरेंस भी नहीं खोल सकता। मैं खोल दो खोलूंगा, भाई, कोई नहीं खोल देता हूँ यार, क्या हो गया, अब टाइम समय लगता है यार। अब वेद ने समय नहीं लगाया तो मैं क्या करूं यार। तो ये आपने योनी वाला छोड़ दिया मतलब अपना स्टैंड इस पे, जो ये अपना अब बस क्वेश्चन था। छोड़ यार, छोड़ दिया मैं जो अपना मैंने रखा है ना, ये मैं इसके ऊपर आपकी राय चाह रहा हूँ। छोड़ दिया वो नहीं योनि खोली है तो यहाँ पर भी योनि खुली है ना, मैंने कहा ये एक एक अरे साथ वहां इसको एक्सप्लेन वहां कर पे दें। गर्भाशय की बात चल रही है, गर्भाधान वाले की, तो मैं पूरा कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट कि बताया करो गर्भाशय की यहाँ पर भी वही बात चल रही है, यहाँ पर भी वही बात चल रही है यार, परेशान एक क्यों हो गए ग्यारह आप। पांच अथर्वेद का 11:5। एक मिनट सब्र करो यार, एक तो आपको जल्दी बड़ी पड़ जाती है। ये लो मैं दिखाई देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, आप ना दिखाएं, मैं दिखाता हूँ, आप जो दिखाते हैं 2 नंबर रेफरेंस, ये दो ले नंबर पकड़े, कहाँ पे, ओरिजिनल दिखाते हैं आपको। झूठी ट्रांसलेशंस दिखाते हो, ये लो ये आपके सामने है, इसको पढ़ो। इसको बड़ा कर दूंगा और अगर नजर नहीं आ रहा तो। रुक जाओ, ये कौन सा है बोलो, मैं भी खोलता हूँ अपने में। यार ये अथर्वा वेद कांड नंबर 5 सूक्त नंबर 25 और मंत्रा नंबर 8 है, और ये अगर आप करोगे ना रुको रुको मैं डामेबाजी खोल कि मैं दूंगा, अपने वाला खोलता हूँ, जुल्फकार शेफ साहब इन्हें भेज दें। ये जो है ये मेरे अपने वाला है वाला नहीं खोल रहा यार, यार। ये आपकी ट्रांसलेशन है, आपकी साइट है, मैं अपने वाले खोलता हूँ। मेरे पास अरे चार मैं सिर्फ ट्रांसलेशन है, सब में ये लिखा हुआ है, अपने फोन आप में मैं खोल अपने रहा हूँ, वाला मुझे दिख खोलता नहीं हूँ, रहा। अरे आपने कोई ट्रांसलेशन मुझे की हुई है, भाई, मुझे दिख नहीं आपकी रहा कोई अपने फोन में, इसलिए ट्रांसलेशन पूछ है रहा हूँ मैं। अरे क्या सुन तो लो, मुझे दिख नहीं रहा ना आपकी स्क्रीन पे, इसलिए कह रहा हूँ अपने फोन में खोल रहा हूँ, इधर यार। मैं खोल इसको लिया और बड़ा कर देता हूँ, मैं और बड़ा करो कर बड़ा। देता हूँ। हाँ यार हद करते हो यार, रेफरेंस बोला सर्वे मैं की अपने कितनी है वाला, मैं अपने वाला, ये आपके सामने आ गया, अब भी नहीं नजर आ रहा। यार, मुझे छोटा दिख रहा है स्क्रीन में, मैं इसमें स्टूडियो में, ये जब ऊपर चढ़ ऊपर आते हैं तो छोटा हो जाता है उसने तो काफी। बहुत बड़ा किया हुआ है यार, आपको छोटा दिख रहा नंबर बोलो ना इसका क्या है यार। कितनी बार बोलूं, है ये सर, और देखो बोल लास्ट मंत्रे बार। को भी हकीम के पास मुझे मोटा करने के लिए सर, आप जुल्फकार भी शेफ बात साहब तो ये नहीं दोहराओ नजर आ रहा है यार स्क्रीन के ऊपर, यार, मुझे नहीं आ एक्चुअली रहा ना, मुझे मैं तो उस नजर आ स्टेज रहा है, हो सर वो में। मोबाइल से हो वही तो बात है ना, मुझे नंबर बोल दो ना, क्या नंबर है इसका, यार। नंबर बोला तो है कि अब ग्यारह कांड बोल नंबर दो। 5 है, सूक्त अरे भाई नंबर ट्वेंटी मोटा करे फाइव ना है, मंत्र यार, नंबर 8 है। सूक्त नंबर ओ कितना, भाई
अली भाई ट्वेंटी मोटा फाइव करे, आपके पास ट्वेंटी मंत्र तो फाइव है। 5 25 और इसका मंत्र कितना है दूसरा? 8 8। ठीक है बस एक सेकंड, खुल गया बस। आपके विद्यानाथ सही है। शास्त्री। 2 मिनट। पांच 25 8। 2 मिनट रुकना यार, ये साइड साइड खुलने में टाइम लग रहा है। रुको रुको मिनट यार, मुझे दिख रहा होता ना मैं पढ़ देता, ये मुझे दिख नहीं पा रहा सही से, ये बात हो रही। नहीं वो मोक्ष भाई कोई मसला नहीं है, लेकिन यार मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज हमने बयान की पेश की है उसको देखें। आप कभी कहते हैं जो उधर जंप वही मारते हैं पांच कभी उधर, अट्ठाई यार। देखो बहस यार, ये लंबी देखो हो मैं जाती है वेबसाइट खोल रहा हूँ, ये खुल नहीं रही यहाँ पे, यार। ये ये मैंने तो रिफ्रेश खोली नहीं है। हुई है आपके सामने। खोल रहा हूँ बस, रुको 2 मिनट। अभी से यार टाइमर को तो थोड़ी देर रोक दो, ये इसमें वेस्ट हो रहा चल 2 मिनट तुम्हें ज्यादा और दे देंगे यार। है यार, ये खुल नहीं रहा मेरी। देखो मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, ये देखो ऊपर रिफ्रेश नहीं चल रहा है, मोक्ष ये भाई नेट हमें खुल नहीं रहा। नहीं, हम आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे, कोई बात नहीं, नहीं खुल रहा। आपको थोड़ा सा टाइम और दे करियर देंगे, ये परेशान ना हो, लेकिन यार बात ठीक करें। ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, थोड़ा सा इस पे गौर कर लें। यार दिख ही नहीं रही ना, बात तो वही है। अगर दिखती तो पढ़ देता मैं, पहले भी तो पढ़ी हुई है मैंने काफी। 5 25 4 खुल रहा, रुको ये एक सेकंड और खुल जाएगा शायद। अच्छा यार ये ये कमेंट वेबसाइट में में नहीं जा प्रॉब्लम है, सकता क्या और वहां से चक्कर? लेके वो इसको पिन कर दिया जाए कहाँ से? हाँ कमेंट में? जुल्फकार भाई कमेंट सेक्शन में आपकी बात, ये मशवरा ठीक है, मैं इसको इधर लेके पिन करता हूँ। ये बात ठीक है, इसको इधर से कॉपी करता हूँ और या उसको उधर पिन कर देते हैं। ये चीज जुल्फकार भाई यार पहले नहीं बताया आप, कमाल करते हैं यार, सारा मसला ही हल कर दिया आपने। ये मैं ना आप कमेंट सेक्शन में भेज के इसको पिन करता हूँ, इधर आपके स्क्रीन पे ले आता हूँ, फिर तो पढ़ लेंगे ना हाँ भाई भेजो। जी। फिर कौन? अच्छा आ एक मिनट सब्र करो, ये लो भाई जुल्फकार भाई, इसको आप जरा स्क्रीन पे लेके आइए। ले आया हूँ मैं ही, ले ठीक है। हो जाए यार, हो गया, हो गया। मुझे नजर नहीं आ रहा अभी ना। हाँ अब आया, ठीक है। चलो मोक्ष भाई कंटिन्यू। हाँ ठीक है, बढ़ रहा हूँ। 5 5 25 8। से वाइफ टू हर हस्बैंड एट द टाइम ऑफ प्रेग्नेशन सेरेमनी, ओ हस्बैंड प्लीज राइट सब पुट फोर्थ योर मेनली स्ट्रेंथ, ले द जर्म ऑफ योर एम्ब्रियो इन द वोम एंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड विगरस एंड योर आगे क्या? इतना ही हुआ है योर काफी, यहाँ पर कमेंट के अंदर इतना ही आ सकता था, इतने को तो पढ़ो ना, ये एक्सप्लेन करो इतना तो यार। पढ़ लिया यार, ये भी तो मेरा खुलता ही नहीं टाइम पे। यार सॉरी ये सॉरी खुला सॉरी। हुआ, ये मैंने अगर 2 नंबर दिया तो पब्लिक जाके मैच कर लेगी और तुम बाद में आके कहना कि अलीरजा तुमने झूठ बोला था। यार मैंने ये पता आपको क्या, कोट कर दिया, ट्रांसलेटर का नाम बता दिया, और क्या करूं मैं? ये पढ़ो ना, इसको एक्सप्लेन करो। ये तो मैंने पढ़ लिया, मेरे खुले तो सही है, एक बार थोड़ा सा। हाँ और पढ़ लिया यार मैंने, फिर सेव मेरा वाइफ टू खुलने हर वाली बात हस्बैंड। करने लगे हो। मैंने जो आपको दिया है ये 2 नंबर है, तो मुझे बताओ ये बंदा 2 नंबर है तो बताओ, कोई बात करने वाली करो यार। विद्यानाथ जो है ये, इस शास्त्री को आप तंबाकू समझते हैं? यार मेरी पढ़ रहा हूँ चलो। से वाइफ टू योर हर हस्बैंड एट द टाइम ऑफ प्रेग्नेशन सेरेमनी, ओ हस्बैंड प्लीज राइज अप पुट फोर्थ योर मेनली स्ट्रेंथ, ले द जर्म मतलब ऑफ एम्ब्रियो बताओ, इन द इसका वॉम। मतलब बताओ, तर्जुमा तर्जुमा गर्भवती होते समय ठीक क्या है। करना है, बीवी क्या अब कहती है? बता रहा हूँ इंग्लिश के अकॉर्डिंग, मतलब ये है कि से वाइफ अपनी वाइफ हस्बैंड को बोले प्रेग्नेशन सेरेमनी के टाइम की, ओ हस्बैंड मतलब खड़ा हो हस्बैंड, एंड प्लीज राइज अप एंड पुट योर फोर्थ योर मेनली स्ट्रेंथ, और अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके मतलब मेरे अंदर एम्ब्रियो कौन से वाले? वॉम एक में। मिनट, कौन सी स्ट्रेंथ? मर्दाना ताकत, मर्दाना ताकत। बिल्कुल हाँ वही यूज कर, और एम्ब्रियो को मेरे वॉम में रिलीज कर, सो दैट एंड यू आर हाँ स्ट्रॉन्ग एंड विगरस। आइए आपकी ये इंग्लिश ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग ये है, मतलब अब इंग्लिश ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग ये है, तो मैंने गलत नहीं आपके बोला ना पास भी इंग्लिश के, ट्रांसलेशन ही है इंग्लिश ना यार। ये ट्रांसलेशन जो मेरी है खुल। ये साइट के ऊपर, यार फिर वही ड्रामेबाजी आप करने लगे, इससे मैं चिढ़ता हूँ। या तो मेरे साथ पढ़ कोई लिया खुले मैंने, हत्या कर लो यार, पढ़ तो ये लिया। आप अपनी बहन को जाके कहेंगे कि जैसे ही आपने जाना है, क्योंकि आपने गर्भवती होना है बेटी को, उसको कहेंगे कि अपने शौहर के सामने उस तरह टांगे खोल के जिस तरह पिछले मंदिरों में, और बाद में आपने ये भी कहना है साथ में कि आज अपनी मर्दाना ताकत दिखा दो, आज उठ के खड़े हो जाओ। बताएंगे, कहेंगे, अच्छा मैं करेंगे अपने घर में।
इसी का जवाब देता हूँ मैं। वैसे तो चलो ये अपना मतलब इस पे मैं एक बार बाद में भी बात करूंगा इस वाले टॉपिक इसी इसी मंत्र पे, ठीक है। तो आपका यही क्वेश्चन है ना कि सिस्टर को बताएं कि नहीं, तो आपकी कुरान और हदीस में क्या सब कुछ ऐसा लिखा है जो सिस्टर को या उसके सामने पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे जी पास कुछ बिल्कुल रेफरेंस कुरान, है। जी बिल्कुल अच्छा कुरान बिल्कुल, हकीम की आयात जो है मैं भी उनको रखा दिखाता जा हूँ कुछ सकता है, आपको। वो दिखा अच्छा दीजिएगा। इसका पहले बता दो, इसका पहले बता दो, ऐसे ना करो। इस पे तो मैं ये मतलब मंत्रों को ना एक बार मैं खुद से पढ़ के अब इस पे बात करूंगा मैं, क्योंकि अभी मैंने पढ़ वाह लिया हफ्ता क्या वाला भी, बात है, क्या बात है, जबरदस्त। इस पे तो आप मैं करोगे बता तो रहा हूँ फिर सिस्टर वाली बात मोक्ष बता रहा हूँ देखो, मोक्ष देखो, हमारे। मोक्ष नहीं देखो, मोक्ष देखो, बैसाखियां लेनी पड़ेंगी फिर भी बात नहीं बैसाखियां नहीं, बनेगी। बैसाखियां ले लो, तुमने बड़ी बार बैसाखियां ली और हर बार बैसाखियों पे आपको जूते ज्यादा पड़े। लेकिन मसला यह है कि आप बात ये थी कि ये बताओगे या नहीं, तुमने कहा था मैं ईमानदारी से एक बार मैं पढ़ लूं, मैं बताऊंगा। अपने घर में ये पढ़ोगे मंत्र या नहीं पढ़ोगे, अपने पिता या के फिर सामने, मुझे अपनी माता ऐसे के सामने, अपनी सुनो, बहन को, ये बहन को ये बताओगे या नहीं कि ऐसे गर्भवती होते समय आपने अपने पुरुष से कहना है, पति से कहना है, आप पहली बात तो ये मैंने पढ़ तो लिया आपकी, ठीक है, लेकिन जब हम वेद उसको पढ़ते हैं ना, तो बताओगे या नहीं, घर में पढ़ोगे या नहीं, मैं बता यहाँ रहा पर हूँ पढ़ाना। वेद के जो मंत्र होते हैं ना, जैसे कुछ मंत्र विवाह सूक्त होते हैं, ठीक है, विवाह विवाह प्रकरण में आते हैं, मतलब वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए, ठीक है, और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ राजा के लिए उपदेश करने होता है, तो मंत्र को दिखाएंगे ये मतलब वेद के अंदर प्रमाण दिखाएं कि ये जो मंत्र मैंने पेश किए हैं ये सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के हैं, तो हस्बैंड और हाँ वाइफ मैं को बता फिर रहा हूँ सिखा के नहीं भेजना। आपकी जो आपकी बहन और बेटी, उसने पत्नी नहीं जाके बनना, उसको बताओगे नहीं कि ये तुम्हारे लिए है, तो भाई, यही तो बात हाँ कर रहा वो हूं मैं, सुनो सुनो सुनो, ये जो ये तो आपने भी उसके लिए रेफरेंस है ना। दिखाई, हाँ जवाब तो देने दो, जब मंत्र ये इस पूरे सूक्त का नाम है विवाह प्रकरण सूक्त, मतलब ये सूक्त का पूरे के डेफिनेशन स्टार्टिंग हेडिंग वही है कि ये एक हाँ मैरिटल बिल्कुल मैरिटल रिलेशन के लिए उसको बताना है। तो ये जब हम गुरुकुल में पढ़ते हैं बच्चे हमारे, मतलब जैसे, मैं तो हमारे में वेदक मेरे जो प्यारे भाई, मैं वेदक बता मेरे रहा हूँ, प्यारे जवाब भाई, देने दो मुझे, बाकी नहीं ना बताएं, आप ना बताएं, जो मैं नहीं सुन पूछ रहा लो, हूँ वो सुन तो लो ना बताएं। यार, नहीं मैंने नहीं सुनना सर, आप गलत बात कर रहे हैं। क्यों आप ये अब विवाह इसमें के क्या गलत समय कर रहा की हूँ? बात, या ये विवाह के समय की बात है, ये विवाह के लिए ही है, तो विवाह बिल्कुल, के समय के लिए ये मंत्र अपनी बहन को पढ़ के सुनाओगे या नहीं, बात ये है। अरे हाँ ठीक है, तो भाई जब हम सेक्स एजुकेशन भी आज चिल्ड्रन को देते हैं बच्चों को स्कूल में, तो ये थोड़ी होता है कि बाप अपने बेटे को सिखाएगा, वो स्कूल में सीखती है। तो उसी तरीके से जब गुरुकुल में जाते हैं हमारे बच्चे पढ़ते थे जो पुराने टाइम में, तो उनको काम धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया जाता था कि ये गर्भाधान है, ये संतान उत्पत्ति है, तो ये वहां बताया जाता है। ये नहीं ना कि आप बोलो कि उसको बता के अच्छा भेजना है, आप क्योंकि नहीं हर, बताएंगे, आप नहीं बताएंगे, आपने तो तो कहा था आप बता करने दो का, कि वैसे तो कुरान मैं और हदीस की सारी बताऊंगा। बात, आप बता दो कि हाँ कुरान और अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस की सारी बात। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, लो मैं कुरान, खोलता हूँ हदीस, फिर एक मिनट देखते हैं। रुको, एक मिनट रुको, इतनी क्यों तेजी और चलाकी चालाकी, मेरे से चूत चलाकी करने की जरूरत नहीं। नंबर वन, नहीं, स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तलाका तला, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, ड्रामेबाज आदमी, फिर तुम कहते हो कि मैं सख्त लफ्ज बोलता हूँ, तुम्हारी ड्रामेबाजी पे बोलता हूँ। निकालो तो अब कुरान क्या, की आयत, मेरी बात सुन लो, अच्छा अगर ठीक है, उसके अंदर से ये अश्लीलता ना निकली तो लानत है तेरे ऊपर, ठीक है? ये पब्लिक देख रही है, मैं तुझे चैलेंज करता हूं। नंबर टू, नंबर टू, मेरी मैं बात ठीक है। कान खोल के सुन लो मोक्ष, नंबर टू, मेरी बात कान खोल के सुन लो, हदीस खुदा का कलाम नहीं है। हदीस बंदे कोट कर रहे हैं और वो गलत हो सकती है, और सही उसके भी, लिए स्पेशलाइजेशन, सही भी है, बिल्कुल सही भी है और गलत भी हो सकती है, बंदों ने लिखी है, वो इंसान का कलाम है, वो इंसान का कलाम है, खुदा का कलाम नहीं। अब अपने वेद की ये औकात रह गई कि हमारी हदीस, जो अभी आप तय भी नहीं करोगे ठीक है या नहीं, कि किसी स्टैंडर्ड पे पूरी आती भी है या नहीं, उसको वेद के साथ तुलना करोगे, तो वेद की नहीं हैसियत तो आपने बता दी। फिर अगर आपके अंदर थोड़ी सी जिसे कहते हैं मजहबी गैरत हो, तो ये डूब के मरने वाली आपने बात की, अगर करते तो ईश्वर की वाणी को ईश्वर की वाणी के साथ कंपेयर करने की बात करते। चलो एक हदीस की एक आयत किताब, खोल लेते हैं, रुक जाओ मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने मुसलमान बहनों भाइयों के लिए। ठीक है कर लो। कुराने हकीम में वाजब तरीन जो चीज है, वो कुराने हकीम की तलावत करना और एक आम बंदे के लिए उसके नहीं, जिस चीज से यानी कि कुरान ने रोका है उससे रुक जाना, और जिस चीज के करने का हुक्म दिया वो करना, ये एक आम मुसलमान के लिए वाजब तरीन चीज है जो बयान कर दी गई कुराने हकीम। उसके बाद वो हदीस पढ़ सकता है, उसके पास समय है नहीं, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, आई समझ, कुरान ड्यूटी है। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, आया तो दिखा सकता हूँ क्या उसमें से हदीस? तो हाँ लेकिन अच्छा वैसे लेकिन एक तय बात मुझे होगा, पूछ लेता पहले उससे क्वेश्चन क्राइटेरिया को, तय होगा, तुम्हारी ये ड्रामेबाजी, और तुम्हें ज्यादा टाइम में दे रहा हूं, अगर ये अश्लीलता तुम ना दिखा सके तो फिर चैलेंज करो ना। नहीं अश्लीलता तो आपको लग रही है, मैंने तो बोला ना कि ये सेक्स एजुकेशन का पार्ट आज भी बच्चों को बताते हैं, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम क्या बताने में, मुझे आपने तो ये नहीं कुरान समझ आ रही हकीम आपकी में से क्वेश्चन। एक एक आयत, जस्ट एक आयत मैंने आपके वेद खोल के रख दिए, उसमें से एक नहीं कई चीजें रख दी, और अभी मजीद प्रोग्राम करना चाहता हूं। अब आपने सिर्फ एक आयत कुरान पाक में से ऐसी देनी है जिसकी तुलना आप इसमें से किसी एक मंत्र के साथ भी कर सकते हैं।
मेरा क्वेश्चन ही आपसे शुरुआत से यही था कि पहले कुरान में, चैलेंज सुनो करो फिर तो निकालो, यहाँ पर आयत पब्लिक सुनो, देखेगी आप आज वही पता दिखा रहा चल हूँ, जाएगा। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ही शुरुआत में यही था कि आपकी कुरान में कुछ भी सब कुछ लिखा है जो बच्चों के सामने या बहन के सामने बोल सकते, ये क्वेश्चन था मेरा सबसे पहले। तो ये तो मेरा क्लेम था ही नहीं कि बिल्कुल ये जो चीज लिखी है सेम लिखी बिल्कुल है वहां पे, ये बिल्कुल, मैंने कब कहा आपको? पुराने पाक में हाँ जो बस भी ये चीज बात करो ना लिखी हुई फिर। है वो हाँ बच्चों के ठीक है, सामने भी हम पढ़ेंगे, बड़ों के सामने भी पढ़ेंगे, चार बंदों में बैठ के भी पढ़ेंगे, बहनों भाइयों में भी पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ बस वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये थोड़ी क्लेम किया कि ये जो आपने मुझे इस पे दिखाया वो सेम मैं दिखाऊंगा नहीं, अब उसमें से। मुझे इस तरह की कोई अश्लीलता कुरान पाक की एक आयत से, अश्लील, हाँ तो मैं ये दिखा सकता हूँ कि इसमें जैसे एक सेक्स स्लेवरी की बात आती है, तो वो आप क्या अपनी बहन के ना सामने पढ़ दिखाओ, सकते हो? जल्दी हाँ जल्दी ये है, दिखाओ ठीक वो आयत दिखाओ। है। हाँ ये है, रुको 2 मिनट, ये रुको 2 मिनट, रुको है मेरे पास। ये है सूरा अल अल मुमिनीन की, ये 23 से ले, सूरा नंबर कितनी है? सूरा नंबर ये 23 की 1 से लेके, ये है 1 मिनट, मेरे सूरा पास नंबर जो 23। पांच तक है, 23 से लेके 5 तक है शायद, जिसमें ये इसमें लिखा हुआ पढ़ूं या है। पहले ही पढ़ूं? पहले वैसे तो क्वेश्चन तो 5वीं पे ही है, पहले ही से पढ़ लो। ठीक है, मैं खोलता हूं 1 मिनट, वर्स 1। लो भाई पब्लिक, आपने देखना है कि ये वैदिक भाई ने हमें चैलेंज करके कहा है कि इसके अंदर छह अश्लीलता तक, है। हाँ 6 तक, 6 तक, 6 तक, 23, 20 तक छह, पढ़ देता हूँ मेरे भाई, 20 तक तेईस पढ़ नहीं नहीं देता हूँ, 23, रुक छह। जाओ ना, मैं अभी पढ़ने लगा हूँ, रुक जाओ। सूरा नंबर 23 वर्स नंबर 1। अल, यही है ना, अल मुमिनिन, अल मुमिन, मैं अब मुमिनन। निकाल लेता हूँ ना, अब पता चल जाता है ये क्या है, मेरे मत पास तो बोल जाना, वेबसाइट है ना, कुरान कुरान डॉट कॉम से, वहां से ली थी। ले लेते हैं, सबर ये करो देखो, 1 मिनट ये वाली यार, 1 मिनट मैं निकाल रहा हूँ मेरे भाई, 1 मिनट सबर करते हुए, आपने कहा है तो मैं उसको निकाल रहा हूँ, परेशान क्यों हो गए? अच्छा, और हदीस मतलब आप कुछ, कोई भी हदीस मतलब अगर हम पेश करें तो मानते नहीं है फिर, या उसमें भी कुछ वो है? बस करो यार, वैदिक कान में से नहीं निकली ना, तो इस तरह ना करो, 1 मिनट रुक जाओ, नहीं मेरे पास, मैं पूछ रहा हूँ कि हदीस आप यार मतलब बस कर दो कैसी ना, मानते हो? आप हदीस में से भी नहीं निकाल सकते, हदीस का क्राइटेरिया पहले तय करेंगे, उसके बाद उस पर बात होगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं नंबर दे सकता हूँ आपको, देख लेना कैसी है वो, रुको मैं अब तुम्हें ये शेयर तो कर दूं, रुक जाओ कर दो। यार, एक तो तुम जल्दी बड़ी कर रहे हो। जुल्फकार भाई देखिएगा, शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन, जी हो रही है जी, कदा फलल मोमिनून, ये जी, पूछ उस रहे पर लाइक हैं, शैतान अभी रजीम मैं देख से लूं मेरी जी। फेम है कि नहीं। बेशक ईमान वाले मुराद पा गए, क्या इसमें क्या अश्लीलता है मेरे भाई? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ दूँ पूरी, ये मेरे सामने इधर मैं पब्लिक को दिखाऊंगा ना, चलो निकालो 5 तक, बताओ। हाँ चलो आगे करो, ये निकाल लेता हूँ, ये लो अच्छा, इसमें बताते जाए ना, इसमें कोई अश्लीलता आगे चलो, इसमें तो बात मैंने बोला यार, नहीं, इसमें इसमें तो बता दो ना, फिर दूसरी आयत में भी जाते मेरे भाई, बारी बारी सब पे जाए। इसमें तो है नहीं, मैंने बोला ना 5 6 तक पढ़ो, इसमें तो तो है ही फिर नहीं जहां शुरुआत में पर तो। है वो बताओ ना, टाइम क्यों वेस्ट करवा रहे हो यार, यार ले लो, 5 पे ले जाओ सीधा, हद हो गई यार। 5 और 6 पढ़ लो यार, आपने बोला ना कि शुरुआत से पढ़ लेते हैं, ठीक। ये आपने कहा है जनाब, मैंने नहीं कहा, आपने कहा जी मैं अश्लीलता दिखाऊंगा, अब 5 और 6 में आपने कहा जी कि अश्लीलता है, बिल्कुल, बिल्कुल है 5 एंड 6। मैं दिखा दूंगा, मेरे पास मैं ये देखो। ये कोई गाली दिखा रहा नहीं हूं, रुक जाओ। नहीं अरे आपकी भी सही है, ये देखो ना, ये मेरे पास हाँ भी तो बस कुरान सही डॉट है ना, कॉम तो निकलने दो ना, निकलने दो इसको। है, गूगल पे निकल रही है सर, सारे देख देंगे ना, हाँ ठीक है। सबको दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं यार, अकेला आप ही क्यों देखना चाहते हैं? ट्वेंटी थ्री की 5 और 6 की बात कर रहे हैं। ओ यार ये कोई और निकल आई, 1 मिनट, सूरह अलमायदा की निकल आई, 1 मिनट, वेदक भाई 1 मिनट दे यार देना, मेरे पास है, मैं खोल रहा हूँ ना, आपको स्क्रीन मेरी बड़ी कर सूरह दो, यार मैं ये मेरे चाहता को हूँ साफ कि दिख रहा है मैं मेरी, सबको ये दिखा आपने देता हूँ ना, गूगल तो किया हुआ है, लिखा साफ हुआ दिख तो रहा है सही है, मेरी, 23 वर्स की 5 एंड 6 भी। बिल्कुल कुरान डॉट कॉम की है मेरी भी, मतलब मैंने थोड़ी बनाई है। नहीं वो नहीं मसला, वो नहीं मैं मसला मेरे भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं सामने ले आऊँ। वो कह रहे हैं मैंने नहीं रहा हूँ बनाई मेरी भाई स्क्रीन बड़ी कर कुरान दो डॉट ना, कॉम अरे की। मेरी स्क्रीन बड़ी कर दो, सामने ही आ जाएगी, आपको टाइम लग रहा दो, चलो ओके जी, तुम्हारी कर देते हैं, इसकी कर दो यार। आपको कर देते हैं, ये एक एक इधर लगी हुई है जी जी इसकी स्क्रीन बड़ी कर देते हैं, 1 मिनट रुको।
यार ऊपर आ जा। उतनी देर पढ़ो ना यार, मैं इसको कर रहा हूँ। हाँ हो गया। ठीक है, होगी जी जी हो गई। ठीक है। तो ये बात चल रही है, दोज हु गार्ड देयर चेस्टिटी एक्सेप्ट विद देयर वाइफ्स और दोज बॉन्ड वुमेन, अब इसको इन्होंने स्लेव्स बोला हुआ, सेक्स स्लेव्स, इन देयर पोजेशन, एक मिनट, क्या बोला हुआ? जो ट्रांसलेशन मेरे पास है जिसमें स्लेव्स लिखा हुआ है, जो हाँ स्लेव्स तो है सेक्स हमारी। क्यों कह रहे हो? सेक्स कहाँ पर लिखा हुआ है? झूठ झूठ भी बोलने लगे हो ये यार, है? सामने ऊपर सामने रख के देखो, झूठ बोल रहे हो, सुनो है? सुनो सुनो तो यार, ऊपर क्या लिखा है, दोज मतलब हु झूठ क्यों गार्ड बोल रहे देयर, हो? अरे सुन तो ले यार, दोज हु गार्ड देयर चेस्टिटी, पहले मतलब सेक्स दिखाओ ना दोज यार। झूठ 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 जो आपने बोला पब्लिक के सामने, वो लोगों ने देख हु लिया है। बताओ कि अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? सेक्स सेक्स कहाँ पर लिखा हुआ है इसमें? हाँ सुन तो लो यार, ऊपर क्या लिखा है, दोज हु गार्ड देयर चेस्टिटी, जब हम इसको इसी को ही मैं खोलता हाँ हूँ, जैसे हाँ हाँ इसी को, हाँ 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 जी 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 इसी, सुनो तो इसी को जब मैं खोलूंगा, जब इसमें पूरी को, तो उसमें नीचे ट्रांसलेशन हाँ, का बोली, जैसे आती है, एतराज दोज हु करो गार्ड, एतराज। दो हाँ वही तो बोल रहा हूँ, दोज हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स, ये तो सही है, हाँ हाँ ठीक है, सही है ना। ठीक है, अब क्या मैं मसला है ये इसमें? खोल रहा हूँ, हाँ अच्छा अब मैं छठी ये को सही ला, बताओ भाई। अच्छा छठी इसमें को एक ला मिनट रहा एक हूँ। मिनट, इस आयत में, इस आयत को क्लियर कर लेना पहले, ठीक है? ठीक और जो अपनी है शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जो अपनी ठीक है। शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी कि उनसे गलत काम नहीं करते, जिना नहीं करते, इसमें हाँ ऐब क्या है? ऐब बताएं, अश्लीलता बताएं। अब छठी पढ़ते हैं, ठीक है और रुको तो सही, पहले पांचवी को तो क्लियर कर लो कि पांचवी में कोई अश्लीलता है। पहले यार, तुमने पहली पांचवी पढ़वाई, उसमें से नहीं निकली, अब पांचवी में आ गई, तो उसमें ये लिखा कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी चाहिए, यानी कि जिना नहीं करना पांचवी चाहिए, बुरी बात नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई मसला आपको? छठी में मसला है? अच्छा, हाँ पांचवी तो उससे इकट्ठे है ना, वो तो छठी पढ़ते हैं, छठी से वे कनेक्ट होगी, ठीक ठीक है। है। हाँ छठी दिख रही है ना, जी अब ये जी पढ़ रहे हैं, दिख रही। एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स और फ्रॉम दोज बॉन्ड्स वुमेन हु आर बाउंड बाय देयर हैंड्स एंड दे आर ठीक नॉट टू है बी ब्लेम्ड। हम फिर हम जैसे अगर हम नीचे जाएंगे तो कहीं ट्रांसलेशन इसने कर रखी है, जैसे ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है पिकट अच्छा होल अच्छा की, अच्छा अब ये अब नीचे कहाँ जाएंगे? आयत तो पूरी हो गई है, नीचे कहाँ जाना आपने? हैं, अरे छठी, ये सिक्स्थ है, रुक सिक्स्थ जाओ अब, रुक जाओ रुक जाओ, अब देख लिया सबने इसका ड्रामा। अब मैं ये आपको इन सिक्स्थ आयात पूछ रहा के हूँ यार। ट्रांसलेशन, बस करो यार, मैं यही बता रहा हूँ आपको। अब आपकी ये ड्रामेबाजी अब सबने मुझे देखनी है। समझाओ, मैं भी अब मैं क्वेश्चन, आपको, जैसे मुझे आप क्वेश्चन इसमें से पूछते हो ना, मैं भी अश्लीलता बताओ कहाँ पर है, अश्लीलता कहाँ है? बिल्कुल, अश्लीलता ही इसमें है ये जब लिखा इसकी। है, इसमें पब्लिक सामीन ये लिखा है, इस आयत में आप जाके पढ़ लें कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, स्वाय हाँ आप अपनी किससे, बीवियों के, यानी कि, और यार मुझे नहीं 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 एक्सप्लेन, नहीं देखो, नहीं ये गलत नहीं बोला नहीं आपने, नहीं 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 अब नहीं 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 पूरा क्या नहीं बोलो नहीं ना, किया, गलत पढ़ रहा हूं मैं, गलत पढ़ा एक्सेप्ट मैंने। योर एक्सेप्ट और देयर यार वाइव्स आगे पढ़ने एंड दो, तो बॉन्ड्स आयत अगली वुमेन, आयत पढ़ूंगा, वो पांचवी थी, छठी पढ़ूंगा तो फिर, है ना? क्या हो ठीक है गया पढ़ो तुम्हें? पढ़ो, मोक्ष चलो अपनी पढ़ लो शर्मगाहों, भाई। क्या ईमान वालों, आपको चाहिए कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, सिवाय अपनी बीवियों के पास जाने के, या जो आपकी मलकियत में खवातीन मौजूद हैं उनके पास जाने की आपको इजाजत है, उसके अलावा ठीक आप है, हाँ ऐसा काम नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है। इसमें अश्लीलता क्या है? हाँ कि आप अपनी बीवियों इसमें के पास जा सकते हैं, आप अपनी बिल्कुल, बीवियों के पास जा सकते हैं, इसमें अश्लीलता क्या है? हाँ इसमें अश्लीलता ये है, जब ये, अब ये नीचे जो ट्रांसलेशन है अब्दुल हलीम की और इंग्लिश ट्रांसलेशन पिकट होल, इसने लिखा है एक्सेप्ट विद देयर स्पाउसेस और देयर स्लेव्स विच ओके चल ठीक विद है, ये ले लिया, दीज ये दे भी ले आर लिया, नॉट टू ये बी ब्लेम्ड। ट्रांसलेशन भी ले लिया मैंने, हाँ ये तो अब मैं ट्रांसलेशन आपकी मान ली बिल्कुल ऑन ले कर ली। ली। एक मिनट रुकना, आप रुकना, मैंने तुम्हें टाइम भी ज्यादा दिया, अब मेरा दिल कर रहा मैं जूते मारूं तुम्हें, ठीक है? स्लेव्स कह लिया कि जी, स्लेव्स तक आपका, जिनके साथ रिलेशन बन चुका हुआ है ना, आपको पता है कि सनातन धर्म के अंदर और बाइबल के अंदर, और ये रुको ना, अब मुझे उस पे नहीं एक्सप्लेन जा भी रहे हो, करने दो। अब आपका सवाल आ गया ना, तो आगे जाने दो ना मुझे, जाओ कि जब स्लेव्स मरा के भाई, घर घर में रखी हुई थी, रसूल अल्लाह तशरीफ लाए, तो उन्होंने कहा कि जिनके साथ आपके रिलेशन बन चुके हैं, जिन खवातीन के साथ आपके रिलेशन बन चुके हैं, या जो आपकी बीवी हैं, आप उन तक महदूद रहें, ये अश्लीलता है। क्या बात है! और यहाँ पर मैं मोक्ष भाई की पत्नी की, मोक्ष भाई की बेटी की, मोक्ष भाई की मदर की, सबकी यूनि सामने कर दी गई है, और ये अश्लीलता नहीं, तो यार जबरदस्त मोक्ष, वेल डन, बड़ी मेरा ऑब्जेक्शन तो सुन तुलना लो, की तुमने, बड़ी तुलना की, जबरदस्त, ऐसी अब मेरा तुलना ऑब्जेक्शन करते, तो सुन लो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन है इसमें तुम्हारा? इसमें वर्ड आया स्लेव्स, ठीक है, तो क्या आप अपनी बहन को बता सकते हो कि ये स्लेव होते तो इनसे सेक्स हाय किया हाय, जाता मैं बता सकता हूँ, मैं अपनी बहन को बताऊंगा कि सनातन ने प्रैक्टिस के लिए था? स्लेव्स रखे हुए थे, और बाइबल वालों ने रखे अरे हुए यार थे, तो रसूल अल्लाह और लोग ऐसा कर रहे थे, उनके साथ उनके जिंसी रिलेशन कायम थे,
तो इस्लाम ने आके कहा कि तुम आजाद करो इनको, कुरान की आयत पढ़ो कि इस्लाम ने कहा कि इनको आजाद करो, इनसे निकाह करके इनसे शादी कर लो। बिल्कुल मैं फखर से बताऊंगा कि ये सनातन वालों ने तो ये छाया छप्पर डाली हुई थी, औरतों के ऊपर ये कमान कसी हुई थी प्रैक्टिस करने के लिए, ये बाइबल वालों ने तो की हुई जी थी। आओ मैं दिखाऊंगा आपको, कुरान कहता है कि इनको आजाद करो, लेकिन चलो जिनके साथ आपके रिलेशन है उन तक महदूद रहो, अश्लीलता ना करो। अश्लीलता ना अच्छा करने की बात को आप कह रहे हो ये अश्लील बात है? जबरदस्त यार, मोक्ष। मेरा मेरा सवाल तो यार सुनो, देखो आपने आपने अपनी क्लासिफिकेशन दे दी, ठीक है, तो आप बता सकते हो रिमैन को, अच्छी क्लेरिफिकेशन बात ने है। दे दी उस आयत के अंदर, मुझे बताओ योनि कहाँ लिखा हुआ है, लिंग कहाँ लिखा हुआ है, कि और मैंने ये कहाँ क्लेम कब लिखा हुआ है कि दिया उसको खोल दो तो उसके अंदर डाल दो तो ये कर दो, कहाँ लिखा हुआ था है? ये? अरे मैंने तो इसकी आपको तुलना, शुरुआत में यही बोला ना कि इसकी कुरान में तुलना जो, वेद के साथ करोगे? वेदा नहीं है, खुदा का कलाम है ये। अरे मोक्ष मेरे भाई, आप सुनो, मेरी जो मेरी आप बात सुन लो, एक मिनट से आपने जो चुप रखी करके ना, ना बात, मेरी बात सुनिए आपने, एक तो मिनट मैंने तो बात बता दिया सुनिए, ना, ये बता वो सकते मौका हैं। है। आप बताइएगा मुझे, एक मिनट दे दो मोक्ष, एक मिनट दे दो, उसके बाद आप अपनी बात रख लेना, आपको टाइम भी ज्यादा दे दिया। ठीक दुनिया है, के मजाहिब का इमाम है ये, दुनिया के क्या मजाहिब का इमाम है ये, सुनो मोक्ष सनातन नहीं इस्लाम है ये। होगी सती न जुए में हारी जाएगी, औरत के तहफ्फुज़ का इंतजाम है ये, सुनो मोक्ष सनातन नहीं इस्लाम है ये। इसमें न अब दलत है न मैं बरहमन न खचतरी, मुझे बात पूरी करने दो, इसमें न ठीक है दलत है न कभी, बरहमन न खचतरी, सब आदमी है, खुदा का पैगाम है ये, सुनो मोक्ष सनातन नहीं इस्लाम है ये। आज बचाएंगे सनातन को वेद निंदक, आज बचाएंगे सनातन को वेद निंदक, मोक्ष डूब कर मरने का मुकाम है ये, सुनो मोक्ष सनातन नहीं इस्लाम है ये। जुए में हारा था जैसे द्रौपदी को, जुए में हारा था जैसे द्रौपदी को, एक्स मुस्लिम बेचेंगे सनातन को, किस्सा तमाम है ये, सुनो मोक्ष सनातन नहीं इस्लाम है ये। बेदर्दी से काटती है जहालतों को, बेदर्दी से काटती है जहालतों को, इलम की तलवारे बेनियाम है ये, सुनो मोक्ष सनातन नहीं इस्लाम है ये। हाँ बोल लूँ, मिट गए खुद कई इसे मिटाने वाले, मिट गए खुद कई इसे मिटाने वाले, कुराने पाक को, मिट गए खुद कई इसे मिटाने वाले, वेदा नहीं खुदा का कलाम है ये, सुनो मोक्ष सनातन नहीं इस्लाम है ये। हो गया क्या पूरा? भटकती हुई इंसानियत को दे जो पनाह, सुनो यार इस्लाम है ये, मोक्ष सुनो, भटकती हुई इंसानियत को दे जो पनाह, इंसान पर खुदा का इनाम है ये, सुनो मोक्ष वेदा नहीं खुदा का कलाम है ये। न करो नफरत न दो जालिम का साथ, मोहब्बत से रहो, खुदा का पैगाम है ये, सुनो मोक्ष वेदा नहीं खुदा का कलाम है ये। ठीक है, बात आई हाँ समझ में? हाँ अब अब बोलूँ? करो, हाँ बोलो, हाँ ठीक है, अब देखो, अब अपनी बात सही हुई थी कि लड़ाई वाली बात हुई नहीं, ठीक है ना, ये तो सही हो ना अपनी बात, कोई नहीं ठीक है ना। करें बात, आप हाँ अश्लीलता नहीं दिखा बिल्कुल सके, आप उसमें वो यार, चीज नहीं दिखा सके जिसकी तुलना देखो वेद के साथ करना चाह रहे थे, और क्या आपको शर्म मेरा आनी चाहिए पॉइंट, कि आपने पब्लिक का फिर टाइम वेस्ट किया और जो दावा किया ना निकाल सके वहां से वो चीज कुरान अब पाक मुझे में से। बोलने दो। हाँ, अब आपने ये इतना लंबा सुनाया ये पढ़ के, अभी इसमें हमने सती का भी नाम ले लिया, सब कुछ ले मजा लिया, नहीं आया? इस सुनो तो इस पे तो इस सती पे भी मैं आपसे बात कभी करूंगा, ठीक है, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मेरा क्वेश्चन तो यही था ना, कि मेरा यही था कि जो उसमें स्लेव्स और उसके बारे में लिखा सेक्स स्लेव्स, अगर उसको हम अपनी सेक्स बहन को कहाँ लिखा बता हुआ? सकते, निकालो आयत, निकालो आयत, मुझे सेक्स दिखाओ वहां पर। बॉन्ड्स वुमेन लिखा है ना, तो उसे प्राइवेट को बॉन्ड्स पार्ट को गार्ड वुमेन, करने के लिए बॉन्ड्स बोला है। वुमेन, बॉन्ड्स वुमेन तो वाइफ भी होती है ना, ठीक है, जिनके साथ आपके रिलेशन बन चुके हैं, मैं वाइफ वही कह एंड रहा लिखा हूँ, हुआ इसमें। ठीक है, मैंने एंड भी माना है, मैंने कब कहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि जो स्लेव्स मौजूद हैं जिनके साथ आपके रिलेशन बन चुके हैं, कुरान कह रहा है उन तक महदूद रहो, ये अश्लीलता है। मेरा पॉइंट ये था मोक्ष कि में जब आपको मिसाल देता, मैं आपको फिर समझाता हूँ, आपकी आपकी बुद्धि थोड़ी छोटी है, मुझे लगता है आज आपने ताजा ताजा गौमूत्र पिया, अब मेरी मेरा तो बात सुन गौ लो यार, नहीं, अब आपने नहीं मेरा एक सुनो, मिनट भी नहीं बोलने दिया मुझे, आपने कहा ना एक मिनट फिर बोलने आपने दूंगा। गलत बात कही है, मुझे पब्लिक के लिए वो करने दो, अरे मुझे ये क्लियर कर बताओ देना मोक्ष ना। को, यार सुनो मोक्ष, आपने सनातन के अंदर जब 3-3 हज़ार बीवियां रखी हुई थी, 3-3 हज़ार लौंडियां रखी हुई थी, 5-5 हज़ार बांटते रहे, जब ये करते हजार रहे, और रुको रुको रुको, चलो मेरी तादाद गलत हो सकती है, मैं क्योंकि अंदाजे की मिकदार पे बता रहा हूँ, वैसे बड़ी बांटी गई। अब अगर वो मौजूद हैं तो ऐसे लोगों को एजुकेट करना है, तो ऐसे लोगों को अगर ये कहा जाए कि ठीक है आपके पास दो है मोक्ष, मोक्ष ये दो और तीसरी आपकी बीवी है, क्योंकि ये आप पहले से कर रहे हैं इसलिए आपके पास ये मौजूद है, इन तक महदूद रहना, आगे ना जाना, और उसके बाद एक प्रमाण आ जाता है कि अब अगर आप इनको आजाद करके इनके साथ शादी करते हैं तो ये आपके लिए दुगना अजर है,
तो मोक्ष सनातन ने जिनको बांदियां बना के रखा हुआ था, इस्लाम ने उनको इस तरीके से कहा कि ठीक है उन तक महदूद रहिए, और बाद में ये प्रमाण दे दिया कि ठीक है अब आपने हमारी ये बात मानी, कृपया थोड़ी सी और बात मानिए, आपके लिए अजर की बात ये है कि इसको आजाद करके से निकाह कर लीजिए। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जैसे पूरी बात आपने है, बोला इसमें अजा अश्लील क्या है? अश्लील तो अजा सेक्स स्लेवरी थी जो सनातन के अंदर थी। यार सुनो, मेरा पॉइंट था ना वो, मुझे लग रहा था आपको नहीं लगता, मैं कुछ बोल थोड़ी रहा हूँ कुछ, मुझे लग एक रहा था मिनट रख मोक्ष दिया। भाई, आप अली भाई इनको अपना पॉइंट रख के ना फिर आप बाद में जवाब दे दीजिए, इनको अपना पॉइंट रख लेने दीजिए। मोक्ष हाँ तो भाई आपके मेरा, पास एक हाँ ठीक मिनट है, है, आप बात कर ले, ओके फिर ठीक मैं दूसरे कॉलर बोल, आप एक एक मिनट में कर लीजिए फारिग। ठीक है जी ठीक है, ओके okay, तो मेरी बात यही थी कि मुझे वो लग रहा था गलत है, क्योंकि भाई अगर हम फीमेल के सामने अपनी बहन के सामने ये बता, वो पूछेगी कि सेक्स स्लेव क्या थी, तो बता सकते हैं ठीक है आपके अकॉर्डिंग। तो फिर उधर से मैंने वही बोला कि जब वेद में गर्भाधान की बात लिखी है, कि जहाँ पे एक वो बात उस विवाह के बारे में लिखी है कि वो बात सिर्फ उस मेल फीमेल को बतानी है जो उस टाइम शादी कर रहे हैं, ठीक है, और वो बात गुरुकुल में हमें हमारे बच्चों को जैसे सेक्स एजुकेशन आज भी दी जाती है, तो उस टाइम भी ये बेसिक्स होते थे बताए जाते थे, ये हो गया सेकंड पॉइंट। और तीसरा मेरा ये था कि जैसे आपने ये दिखाया, आपने बोला कि ये इसमें अश्लीलता नहीं है, तो मैंने मेरा ये थर्ड एक वो क्वेश्चन अभी मुझे सही नहीं समझ आया कि जो जो हमारे मेरे पास हदीस है जैसे काफी सारी, उनकी ग्रेड भी हदीस सही है, ठीक है, और सही अल बुखारी क्या, तो उनको कैसे आप मतलब उसका क्या, अगर मैं क्वेश्चन उस पर रखू तो आप उसका कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाओगे, कर दोगे मतलब, अगर मैं कोई क्वेश्चन रखूं उस पे हदीस पे, बस यही बात थी मेरी। अभी आपको चले पहले बहुत थोड़ी शर्म शुक्रिया, आनी चाहिए मोक्ष भाई, कि आपने जितना बड़ा दावा कुरान पाक पर रखा था वहां पर कोई आप ऐसी चीज दिखा नहीं सके। यार मुझे और लगा था हदीस के ना, बारे में, हदीस के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हदीस का नॉलेज जो है जब तक आपके पास नहीं है, किसी हदीस को आप पेश करने की अहलियत नहीं रखते, और ये इंसान का कलाम है, अगर इसमें कोई कमी अच्छा कोताही कहीं पर हो और अगर किसी ने इसको ठीक लिखा है तो क्यों ठीक लिखा है आप बता सकते हैं कि चेन वाइज ठीक लिखा है या उसके अंदर जो चीज मौजूद थी उसको क्या कॉन्टेक्स्ट वाइज उसको ठीक लिखा है, किसके वाइज ठीक लिखा है आपको पता है? नहीं पता। तो भाई ये काम एक्सपर्ट्स का है, जिनका है उनको करने दें, तो मतलब आपसे अगर पूछना हो मुझे तो किससे पूछना बता चाहिए सकता क्वेश्चन हूँ, फिर? आप मुझसे पूछ सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन अब नहीं, अब टाइम काफी अच्छा हो अब नहीं, गया, आपको ठीक हमने है फिर काफी कभी टाइम पूछ लेंगे, दिया, आप फिर कभी पूछ लीजिएगा नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट आ जाइए और पूछ ओके ठीक लीजिएगा। है। हाँ चलो देखो अपनी बात सही हुई, कोई इसमें लड़ाई झगड़ी भी नहीं हुआ, आराम से बात होगी, भाई अगर अगर कोई माजरत चाहता हूँ, अगर कोई सख्त जुमला फिर भी हो गया हो तो मैं उस पर माजरत चाहता हूँ, कोई नहीं ठीक कोई है, बात नहीं, मैं असल में जमीर अपने की अदालत में मैं खुद को मुतमईन रखना रखना पसंद करता हूँ। पिछली दफा आपके साथ थोड़ा सा लफ सख्त हो गए थे, उसके ऊपर मैंने आपसे क्षमा मांगी और अपनी रिलैक्सेशन के लिए ठीक है और कोई नहीं, आपकी मैं रिस्पेक्ट तो के लिए, और आपकी रिस्पेक्ट के ओके, लिए। हाँ मैं अभी आपकी रिस्पेक्ट चले करता हूँ, बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि बात जैसे अब इस तरीके से सही चलती है, कोई पॉइंट पे चलती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है चले ओके। चले जी मुख्य भाई, थैंक यू।